फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुकर में राजमा रखा हुआ है, तो आज हम आपके साथ में राजमे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम दिखाते हैं। जैसा कि मैंने कुकर में राजमा डाल दिया और पानी भी डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच नमक, और अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच ऑयल। बस इतना डाल के अब हम इसको चढ़ा देंगे बॉयल होने को। जब हमारा राजमा बॉयल हो जाएगा, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे हम बनाते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं हम आपको आगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरा राजमा बॉयल हो रहा था, तो ये देखिए मेरा राजमा बॉयल हो चुका है और मैंने उसको कटोरी में अलग निकाल लिया है। अब चलिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया और मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से राजमा बनाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर चढ़ा दिया और मैं गैस को ऑन कर देती हूँ पहले तो। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी गैस ऑन हो गई है और अब मेरा कुकर गर्म हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा कुकर गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऑयल डालने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये तेज पत्ता डालने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और मैंने ये देखिए प्याज, अदरक और लहसुन को चॉप करके रखा था, पहले ही रख लिया है चॉप करके, तो मैं ये डालूंगी क्योंकि हमारे इस राजमे में बहुत कम मसाले में हम बनाएंगे इसको। ये देखिए, हमने ये डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन चॉप करके चॉपर से, और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये देखिए हरी मिर्च कट करके रखी थी वो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब प्याज थोड़ा सा मेरा गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज लगभग हो ही चुका है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच हींग डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हींग डालने जा रहे हैं। हींग आप पहले ही तड़के के साथ डाल दीजिएगा, पर हमने बाद में डाला है। अभी हम इसमें बहुत ही कम डालेंगे, जैसे हमने इसमें बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली है। ये देखिए, आधा चम्मच हल्दी है और लगभग एक चम्मच भर के धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, तो हम थोड़ा सा और लिए ले रहे हैं, और थोड़ा सा पिसा मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक आप देख के अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं बॉयल करने में। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे। आप इसको कटोरी में भी मसाले घोल के बना सकते हैं, पर हमने डायरेक्ट कढ़ा कुकर में ही डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भून चुका है और बस अब हम इसमें आधा चम्मच मीट मसाला डालने जा रहे हैं। बस अब हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, और जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं चॉपर में, ये हमने तीन टमाटर लिए हैं, उसको हमने चॉप कर लिया है, बस हम वो डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग राजमा कैसे बनाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। सबसे अच्छी बात है, इसमें बहुत कम मसाले लगते हैं और बहुत अच्छा बनता है झटपट। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, टमाटर थोड़ा सा हमारा पक जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसमें राजमा डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा राजमा कितना अच्छा बना है, क्योंकि राजमे में बहुत ज़्यादा मसाले ना डालिए, तभी अच्छा लगता है। उसमें मसाले की जगह टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करिए और प्याज लहसुन का भी ज़्यादा यूज़ करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना ज़्यादा मतलब टमाटर प्याज का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमारा पक जाएगा, फिर हम तुरंत इसमें राजमा डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये भी मसाला लगभग पक चुका है और अब हम इसमें राजमा डाल देंगे।
और राजमा क्योंकि हमारे पहले से बॉयल हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं बनने में बस। और एक टिप और मैं देती हूँ, आपको कोई भी सब्जी बनानी है, कोई भी सब्जी बनाई है, लेकिन जब तक उसको आप उसका मसाला या सब्जी को अच्छे से नहीं भूनते तब तक वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो जब भी आप सब्जी बनाइए तो उसके मसाले को धीरे धीरे ढक के बहुत अच्छे से पका के भूंजिए तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें राजमा डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें राजमा डाल रही हूँ बस। अब मैं इसमें रसा लगा दूंगी जितना भी हमें चाहिए होगा बस, फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, जब मेरा राजमा मैं सीटी खोलूंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा राजमा बन चुका है और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। मैंने फ्रेंड्स राजमे को हमने बाउल में निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही कम मसाले में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।